लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गायत्री के जहां देव संस्कृति के माता कहल गई है, वहां यज्ञ देव के पिता मानल गई है। गायत्री अनगढ़ के सुगढ़ बनावत है। यज्ञ के दर्शन त्याग और बलिदान के प्रेरणा देत है। यज्ञ के अर्थ अग्निमा कुछ आहुति दिहल मात्र नहीं है, यज्ञ के अर्थ होकेला दिहल। यज्ञ अर्थात अपन व्यक्तित्व के परिष्कार, धर्म के संस्कृति के रक्षा करत भय संगबद्ध होय के जियल। गायत्री महायज्ञ मा गायत्री महामंत्र से सबका खातिर सद्बुद्धि, सबका खातिर उज्ज्वल भविष्य के प्रार्थना कैल जाला, विशिष्ट आहुतियन दिहल जाले। यज्ञ जीवन के अर्थ होला निष्काम भाव से कर्मयोगी बनी के जियल। ई लेखा गायत्री और यज्ञ दोनों के जोड़। हम ऐसे धर्म के नाही मानत है, हमार पति के प्राण लौटा दी। अब संभव नहीं है माँ, यमराज बड़ चतुराई से सावित्री के पति के प्राण हर लेले हा। ई यमराज के धर्म हा। सावित्री तो अपन धर्म निभा रहल हा, परिणाम का हुई माते? बेटा सत्यवान, कहा तू बेटा? सावित्री, सावित्री तोहार धर्म युक्त बात सुनी के हमके बहुते प्रसन्नता होत हा। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त हमरा से कौनो वर मांगला पुत्री? यमदेव, हमार सास ससुर के आंख के ज्योति नष्ट हो गई है, वो उनके पुनः प्राप्त हो जास, वो फेरू बलवान और तेजस्वी बन जास। तथास्तु। न जाने कौन दिशा में गई हुए, कौनो चिन्ह भी नहीं छोड़ ले हुए। सत्यवान, चमत्कार हो गए महाराज, महाराज चमत्कार हो गए। हम सब कुछ देख सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं महाराज, हम वो देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम आपके भी देख सकते हैं महाराज, एविरक्षण के भी देख सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं महाराज। महाराज, इस सब माँ गायत्री के कृपा है। महाराज, हमार शारीरिक शक्ति लौट आई हा, इतना चमत्कार हा, या फिर हमने के पूर्व जन्म के पुण्य के फल है महाराज? ये शुभ लक्षण है महाराज, यदि शुभ लक्षण है तो ना ही चाहिए ऐसा लक्षण हमके। हमने के पुत्र और पुत्रवधु के अदृश्य हो गईला के बाद हमके ही सुख मिलल तक काहे? ना ही चाहिए हमके ऐसा नेत्र के ज्योति। हमने के नेत्र के ज्योति तो हमार पुत्र और पुत्रवधु हुए, न जाने हमनी के लैकन कहाँ हुई हैं। नहीं महारानी, भगवती गायत्री माँ अपन भक्तन के कभू अहित नहीं होके दी हैं। आप दोनों के नेत्र ज्योति अकस्मात शारीरिक शक्ति के प्राप्त होखल आपके सौभाग्य के अरुणोदय है। माँ गायत्री के जप करी सबके कल्याण हुई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आई, हमने वो दोनों के ढूंढत हैं। चले। देवता, दैत्य, गंधर्व, किंधर, असुर केवल यही अंतरिक्ष में चल सकत है। सावित्री मानवी होई के आकाश गंगा पार कर गईलस। धर्म नीति के बात ऐसन करत है जे मन मुक्त हो जात है। सावित्री, तू देवलोक के समीप हो, देवता लोगन के आज्ञा के बिना एक के पार नहीं कल जा सकत है। हम एक के पार करब। के कर आज्ञा से? आप के आज्ञा से, आप भी तो देवता हैं। हम तो के कबहु आज्ञा नहीं देहब। वापस लौट जा सावित्री, लौट जा।
माँ पराशक्ति आपकी कृपा के वाहन पर सवार हुई के यहाँ ले पहुंची हाँ। आगे भी तुहे पार कराइबू। कृपा करा माँ, तासी पर दया करा। नारायण नारायण। देवलोक के सीमा भी पार कर गई। सावित्री आपन हट नहीं छोड़ी, हम आपन धर्म नहीं छोड़ सकत हैं। इके वापस भेजे के उपाय का है? हाँ, इके स्नेह पूर्वक समझावे के हुई। सावित्री, हम तोहार पति भक्ति के प्रशंसा करत हैं, बाकी तू बहुत दूर आ गई लूहा। वापस लौट जा, नहीं तो थक जाइबू। पति के सानिध्य मां रहत भइल हमके कौनो प्रकार के थकावट नहीं हो सकत है। जहुआ हमरे प्राणनाथ रही है, हमके भी आश्रय मिले के चाही। हम उनकरे साथ जाए और आपके साथ चले माँ, हमके दूसरो लाभ है। कौन सा लाभ? आप जैसन देवता के सत्संग अनिष्ट पूर्ति करे वाला होता। मनीषियन के सत्संग मिल जास तब बातें का है। आश्रम मा हमने के गुरुदेव शिक्षा देले रहले, श्रेष्ठ समागम संत समागम कबहू निष्फल नहीं होला। सावित्री, तू जौन बात कहलू हा सबके खातिर हित कर हा। हमके ऐसन बात अत्यंत प्रिय हा। हम तोहारी सब बात से अति प्रसन्न हैं। सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त और कौनो वरदान मांगिला? हमार ससुर के खोयल राज्य उनके स्वतः मिल जास और ऊ कबहू धर्म की परित्याग नहीं करस। तथास्तु। सावित्री, तोहके बहुते दे दीली, किंतु तू आपन हट नहीं त्याग रहलू हा। तोहरा खातिर उचित है जे इहवे से लौट जा। ई ब्रह्मलोक है, एके सीमा तू तक आ। देवता भी बड़ कठिनाई से पार करत हैं। जाव और हमके आपन कर्तव्य पालन करे द। हमहू उहे कर रहल हैं। माँ गायत्री, लाज रखा, दया करा। नारायण नारायण। विधाता के विधान के अनुसार हमार दया कुंभ बन गई है। आप दया करे में बड़ देर कई देली। हमरा पीछा छोड़ द सावित्री। कैसे छोड़ दी धर्मराज? आप सगरो प्रजा के नियम करे वाला हैं। यह खातिर यम कहल जात हैं। मन वचन कर्म द्वारा सबे पे समान रूप से दया कई श्रेष्ठ जन के सनातन धर्म है। कोमलता के व्यवहार तक कितना लोग करे लेन, किंतु जे श्रेष्ठ जन हैं याचना करे पे
शत्रु पे भी दया करे ले। कल्याणी, प्यासा के जैसन पानी मिलला पे तृप्ति मिलत है, ओइसने तोहार धर्म अनुकूल बात सुनी के हमके तृप्ति मिलत है। यही से सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त एगो और वर मांगल। हमार कौनो भाई नहीं है, हमार इच्छा है हमार 100 भाई होके। अवश्य। सावित्री, ई यमलोक है, इवा कौनो मानव जीवित अवस्था मा प्रवेश नाही कर सकत है। इहे बदे त आपसी निवेदन कर रहल हई कि आप हमरी दू एक बात और सुन ली। कह। आप सदेह हैं, आप स्वयं जानत हैं कि नारी के पति से दूर रहल शरीर के प्राण से दूर रहल जैसन है। सूर्य देवता समान रूप से सबके प्रकाश देवेलहन, आप उन्हीं के पुत्र हैं। आप उन शत्रु मित्र के भेद भुलाई के सबका संगे समान न्याय करत हैं। आप कई वर दिहली किंतु हमके कौनो वर नहीं दिहली। सत्यवान के प्राण छोड़ के तू कौनो औरी वर मांगला पुत्री। हमारी इच्छा है हमार कुल बड़स। तथास्तु। आप हमके पुत्री कहली, आप ही बताएं कौन पति व्रता नारी आपन पति के बिना कुल बढ़ावे की इच्छा करी। सावित्री, आप हमके कुल बढ़ावे के वरदान दे ले हैं धर्मदेव। नहीं नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गई। नारायण नारायण, केकर अनर्थ हो गई धर्मराज। हमार देवर्षि सावित्री अपना वाक कुशलता से उ सब कुछ प्राप्त कर लेलस जौन हमो के कदापि नहीं देवे के चाहत रही। नारायण नारायण, इके कहल जाता गायत्री माता के शक्ति के चमत्कार। धर्मराज, आप सत्यवान की कुंडली तो पढ़ लेनी, यदि सावित्री के कुंडली के लेखा जोखा पढ़ ले रहती तो आपके हार के सामना नहीं करे के पड़ी। देवर्षि, हम के आपन विजय के अपेक्षा आपन हार पे अधिक प्रसन्नता हो रहा ला। नारायण नारायण। जा पुत्री, सत्यवान के प्राण ले जाओ, हम इके मुक्त करत हैं। नारायण स्वामी। सावित्री, बुझाता बहुत देर ले हम सोवत रह लिया। बाकी तो पहले हमके जगावे के प्रयत्न काहे नहीं कैलू। हाँ स्वामी, आप सुतल रह लिया, हम आपके जगावे के ही तब प्रयत्न करत रह लिया। अब हम कभू आपके इतना देर ले सोए नहीं देव।
और हमहू इतना घोर निद्रा में कबहू नहीं सुतब। बहुत देर हो गई ला, माँ और पिताजी चिंतित हुई हैं। हाँ। चली चलो। सत्यवान पिताश्री। जी अतरा पिताश्री, आप हमके देख सकते हैं? हाँ पुत्र। आप हमके पहचान सकते हैं? हम तो के तोहर वाणी से पहचान ली। तू इतना छोट रहा जब तो के देख ले रही युवक होके के बाद, अब देखा था पुत्र, अब देखा था माते। अब आप हमके देख सकते हैं? हाँ पुत्र, हम तो के देख सकते हैं पुत्र। अरे पुत्र, तो के तन के खुशबू तो हमार आंचल में व्याप्त है, हम तो के कैसे नहीं देख सक पुत्र। माते नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव, आप सब एगो भयानक संकट से बच गए हैं। ये सब सावित्री के सतीत्व के प्रभाव है। नहीं देवर्षि, प्रताप माँ गायत्री के है, हम तो निमित मात्र हैं। क्षमा भ्राताश्री, क्षमा, क्षमा कर दी भ्राताश्री, हमके क्षमा कर दी, हमके क्षमा कर दी भ्राताश्री, हम भ्राता के नाम पे कलंक है। हम छल से आप और राज महर्षि माता समान भाभी के नेत्रन के ज्योति छीन ले ली, पुत्र सहित आप तीनों के राजमहल से बाहर निकाल देनी। देखी हमके ओके उपरांत कहाँ मिलल, देखी हमके। तुझे पौला तू हर अहंकारी अंत में पावत है, पावे वाला प्रसन्न होता और गवाए वाला दुखी हो जाता, बाकी लुटावे वाला सदैव आनंदित होता। बड़की दीदी, हम तो क्षमा मांगे के अधिकार भी खो देले हैं। हम अपराधी हैं, हम ही अपन पति के कुमार्ग पे चले के प्रेरित कैले। देवर्षि ये दया के पात्र हैं। हाँ पुत्री, ये लोग दया के पात्र हैं। माँ गायत्री से प्रार्थना करा, उहे इनकर अपराध क्षमा करी है। माँ पराशक्ति, माँ गायत्री, तू दया निधान हो, धर्म कर्म के अनुसार तू सुबुद्धि कुबुद्धि के देवी हो। ये लोग आपन कर्म के फल पा ले हवन, इनके क्षमा कह दी माँ, इनके क्षमा कह दी। जय मां गायत्री। जय गायत्री। तो निष्ठापूर्वक उपास रखी की
वट वृक्ष के पूजा कैलू और ये आपत सुहाग सुरक्षित कैलू। जहन पतिव्रता स्त्री उपवास व्रत के द्वारा वट वृक्ष की पूजा करी ओकर सुहाग सुरक्षित हुई। ई व्रत वट सावित्री के नाम से विख्यात हुई। जय मां गायत्री। जय मां गायत्री। जय मां गायत्री। जय मां गायत्री।